हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेज स्टडी क्लासेस में। तो छात्रों, आज मैं आपको हमारा घर हमारा विद्यालय का प्रोजेक्ट कार्य 6 कराऊंगा, ठीक है, जो कि संस्कृत के विषय में है। तो चलिए करते हैं। इसका पहला प्रश्न दिया है, विद्यालय से चित्रम दृष्ट्वा विद्यालय अवकाश वस्तु नाम नमानि हिंदी संस्कृत भाषायाम लिखत। दिए गए विद्यालय के चित्र को देखकर विद्यालय में पाई जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के नाम हिंदी एवं संस्कृत में लिखिए। तो छात्रों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एक विद्यालय का चित्र दिया गया है, ठीक है। यहाँ लिखा है प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, और ये एक कक्षा का चित्र दिया गया है जो कि विद्यालय के अंदर होती है, ठीक है, जिसमें छात्र बैठकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनके यहाँ संस्कृत में नाम दिए गए हैं ये, ठीक है। इस प्रकार से हमें इनके नाम लिखना है। चलिए करते हैं। यहाँ दिया है क्रमांक, वस्तु का हिंदी नाम, वस्तु का संस्कृत नाम, यथा यहाँ दिया है भवन, भवन को संस्कृत में कहते हैं भवनम, ठीक है। ये आपका एक उदाहरण दिया गया है, ठीक है। पहला है पुस्तक, पुस्तक को संस्कृत में कहते हैं पुस्तकम। अगला है छात्र, छात्र को संस्कृत में कहते हैं छात्र। अगला है कुर्सी, कुर्सी को संस्कृत में कहते हैं आसंदह। अगला है टेबल, टेबल को संस्कृत में कहते हैं उत्पीठिका। अगला है डस्टर, डस्टर को संस्कृत में कहते हैं मार्जकम। फिर है पेंसिल, पेंसिल को संस्कृत में कहते हैं लेखनी। अगला है खिड़की, खिड़की को संस्कृत में कहते हैं वातायनम। अगला है अध्यापक, अध्यापक को संस्कृत में कहते हैं शिक्षक। नवा है दरवाज़ा, दरवाज़ा को संस्कृत में कहते हैं मुख्य द्वारम। और दसवा है छात्रा, छात्रा को संस्कृत में कहते हैं छात्रा, ठीक है। आप इस प्रकार से अपने पुस्तक में ये कार्य कर सकते हो। छात्रों, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, चित्रम दृष्ट्वा शरीरस्य अंगानाम संस्कृत नमानि हिंदी भाषायाम लिखत। दिए गए चित्र को देखकर शरीर के अंगों के संस्कृत शब्दों के नाम हिंदी भाषा में लिखिए। तो छात्रों, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ शरीर के अंग के नाम दिए गए हैं जो कि संस्कृत में है, ठीक है। इनको हमें हिंदी में लिखना है। चलिए करते हैं। यहाँ दिया है क्रमांक, संस्कृत में संस्कृत नाम, हिंदी नाम, ठीक है। उदाहरण दिया है जानूह, जानूह को कहते हैं घुटना, ठीक है। ये आपका एक उदाहरण दिया गया है। पहला है अंगूठा, अंगूठा को हिंदी में कहते हैं अंगूठा। दूसरा है मणिबंध, मणिबंध को कहते हैं कलाई। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, ये संस्कृत में नाम दिए गए हैं, इसकी सहायता से हम ये प्रोजेक्ट कार्य कर सकते हैं। अगला है उद्रह, उद्रह को संस्कृत में कहते हैं पेट। अगला है केश, केश को हिंदी में कहते हैं बाल, ठीक है। पांचवा है स्कंध, स्कंध को हिंदी में कहते हैं कंधा। कंठ, कंठ को हिंदी में कहते हैं गला, ठीक है। सातवा है पादह, पादह को हिंदी में कहते हैं पैर। आठवां है कर्णम, कर्णम को हिंदी में कहते हैं कान। ललाटम, ललाटम को हिंदी में कहते हैं माथा। दंत, दंत को हिंदी में कहते हैं दांत। कपोलह, कपोलह को हिंदी में कहते हैं गाल। नेत्रम, नेत्रम को हिंदी में कहते हैं आँख। मणिबंध, मणिबंध को हिंदी में कहते हैं कलाई। ओष्ठ, ओष्ठ को हिंदी में कहते हैं ओट। तो छात्रों, इस प्रकार से आप प्रोजेक्ट कार्य 6 कर सकते हो, ठीक है। छात्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद छात्रों।